तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ नए प्लान्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ पहले के जो प्लान्स हैं जिनके अपडेट्स आप लोगों ने मांगे थे वो भी शेयर करूँगी। तो ज़्यादा तो प्लान्स मैंने नहीं बाय किए, बट थोड़े बहुत शॉपिंग मैंने की है और दिवाली में सभी चीज़ें आएँ और प्लान्स ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने थोड़े बहुत प्लान्स भी खरीदे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है मेरे पास नया। तो सबसे पहले तो ये मैंने पैंटास खरीदे हैं, दो पैंटास मैंने खरीदे हैं और दोनों ही मैंने रोड साइड वेंडर से ही खरीदे हैं। और ये करेली में हम लोग को ये रोड साइड वेंडर मिले थे वहाँ से खरीदे हैं, तो ये 20-20 रुपीज़ के लिए। तो ये दोनों जो है मजेंटा कलर के हैं, तो मेरे पास मजेंटा कलर नहीं था, रेड था तो मैंने लिया है। और ये दोनों सेम कलर के ही हैं और छोटे छोटे से प्लांट हैं, बहुत छोटे छोटे। इसकी तो आप देख सकते हो हाइट काफ़ी छोटी है, लेकिन इसमें बर्ड्स कितनी सारी आ रही हैं। और इसे फिर हमने गमले में लगा दिया था और 220 रुपीज़ ईच ये मिले हैं। फिर नेक्स्ट मैंने एक ये गालफीमिया लिया है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स आयुषी तन मैंने मुझे गालफीमिया दिया तो बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा प्लांट है वो। और ये प्लांट मेरे को काफ़ी अच्छा स्टैब्लिश था मिल गया। और ये मैंने लिया है राजापुर में जो है, अगर आप जिधर अपार्टमेंट बने हुए हैं उधर की तरफ से, मतलब जो जहाँ की कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखोगे वहाँ से जाओगे तो जो फर्स्ट नर्सरी पड़ती है, नर्सरी का नाम मुझे पता नहीं है, वहाँ से मैंने बाय किया है। और ये काफ़ी सुंदर प्लांट है, ये देखोगे आप काफ़ी अच्छा बड़ा सा प्लांट है। और ये प्लांट मुझे मिला है 150 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छी हाइट का बड़ा सा प्लांट है। तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा भी लग रहा होगा कई लोगों को, पर ये प्लांट कॉमन नहीं है, इलाहाबाद में तो कम ही देखने मिलता है गालफीमिया, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है तो ये मैंने एक ले लिया। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये ड्रैगन टेल, इसको बोलते हैं। ये मुझे कुछ वॉर्निंग जू टाइप का ही प्लांट लगता है, या फिर कैलिसिया फ्रेग्रेंस, तो वॉन्डरिंग जू नहीं कैलिसिया फ्रेग्रेंस बोल सकते, कैलिसिया फ्रेग्रेंस जैसा दिखता है। तो अभी बहुत छोटा सा प्लांट था ये, तो इसको मैंने इसलिए ऐसे ही ये शैम्पू की बॉटल में लगा दिया है। और इसमें शेड भी आता है, इसमें वेरिगेशन आता है, तो जो वेरिगेशन है वो मैं पिक अटैच कर दूंगी रेफरेंस के लिए, आप लोग चेक कर लेना। बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है और अभी इसमें न्यू ग्रोथ छोटी सी आ रही है और इधर साइड में भी आ रही है। और ये प्लांट बहुत सस्ता मिला मुझे, ये मुझे मिला है 20 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ में मुझे लगा कि सही ऑप्शन है तो मैंने तुरंत ले लिया, क्योंकि मुझे क्रीपिंग प्लांट, हैंगिंग प्लांट बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, अनलाइक जो बड़े वाले प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये छोटा स्पेस में अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मैंने एक ये हिबिस्कस लिया है और ये बहुत ही प्यारा सा और रेड कलर है, और इसकी जो रेफरेंस के लिए मैं पिक अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। उसने बोला तो था ऑस्ट्रेलियन है वाली वेराइटी है ये, अब देखती हूँ। ऑस्ट्रेलियन फ्लावर जो ब्लूम किया था वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था मुझे, अब इसमें दो बर्ड आ रही है, ब्लूम करेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो इसमें फ्लावर खिला हुआ था जिसे देख के हमने लिया वो पिक मैं रेफरेंस के लिए अटैच कर दूँगी। और ये लाल मिट्टी में लगा हुआ प्लांट था तो मैंने ऐसे ही लगाया है, अब इसकी ये देख सकते हो मिट्टी हटने लगी तो अब मैं इसमें नई मिट्टी डाल दूँगी, मिट्टी पूरी स्प्रेड हो जाएगी, लाल मिट्टी का बहुत असर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके ऊपर तो खैर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो ये प्लांट मुझे मिला है 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ में इस तरह का रेट रहता है इनका, 80-100 का रेट रहता है ये हाइब्रिड वालों का। तो एक ये नेक्स्ट मैंने एक ये ऑक्सालिस लिया है, ये उसने बोल के दिया है पिंक कलर का और बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर, तो मैं रेफरेंस के लिए इसकी भी पिक अटैच कर दूँगी तो आप लोग चेक कर लेना। इसको भी मैंने गमले में लगा दिया, अभी छोटा सा गमले में मैंने इसको लगा दिया है। तो ऑक्सालिस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही मतलब लो मेंटेनेंस और जिसमें पेस्ट का अटैक नहीं होता उस तरह के प्लांट्स होते हैं, तो 80 रुपीज़ का ये मिला था तो इसे मैंने लगा दिया था। थोड़ा बहुत कमज़ोर सा प्लांट था ये, तो अभी इतना बड़ा हो गया तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये थोड़ा पहले ही लिया था मैंने, रेफरेंस के लिए मैं पिक अटैच कर दूँगी और 80 रुपीज़ इसका प्राइस है और ये लोकल सॉइल में लगा हुआ प्लांट मुझे मिला था। नेक्स्ट प्लांट जो है वो शॉपिंग का नहीं है, पर हाँ ये भी मेरे गार्डन में नया आया है और
और ये है हमारा वाटर पॉपी। वाटर पॉपी मुझे बहुत दिनों से मन था मेरा वाटर पॉपी लगाने का, तो ये प्लांट जो है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है। तो अभी ये इस तरीके से मैंने इसको फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया, उसमें देख सकते हो रूट्स वगैरह अच्छे से आने लग गई है। थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं इसको लगा दूंगी, और जब लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी अपडेट। ये दो प्लांट है, एक ये है एक ये है, तो रेफरेंस के लिए इसकी पिक भी मैं डाल दूंगी, तो चेक कर लेना। तो ये तो थे नए प्लांट्स। अब एक क्विक अपडेट जो पुराने प्लांट्स हैं उनकी, तो एक ये प्लांट मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग जो कर रहे थे प्लांट्स उनकी वीडियो में मैंने शेयर किया था। ये है मेलोस्टोमा, हैंगिंग मेलोस्टोमा। तो इसके बारे में कई लोगों ने पूछा था कि उसकी अपडेट दीजिएगा कैसा चल रहा है, तो अभी अच्छे से सर्वाइव कर गया आप देख सकते हो। और इसमें एक सीड भी था पर पता नहीं सीड कहाँ चला गया, यहीं पर था कहीं सीड लगा हुआ था एक, मैंने सोचा था ग्रो करूँगी देखती हूँ कैसा चलता है, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं ये। तो एक ये मेलोस्टोमा था जिसकी अपडेट मैंने दे दी, काफ़ी अच्छे से अब ग्रो हो रहा है। कुछ लोगों ने इस ट्रॉपिकल क्लिमेटिस जिसकी केयर पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो इसकी अपडेट पूछी थी। तो समर जो होता है ना सीजन, इसका डोरमेंसी का होता है, समर में ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता। ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि स्प्रिंग में ही खाली इसमें फ्लावरिंग आती है, और बाकी अब जैसे जैसे मौसम अच्छा हो रहा है इसमें ग्रोथ शुरू हो रही है। ये ट्रॉपिकल क्लिमेटिस है और इसमें ऐसे ही होता है, इसमें गर्मियों में जैसे बाकी वाइट वाले में आती फ्लावरिंग उसमें नहीं आती। ये देख सकते हो कितना पतला सा है ये, तो बहुत सारे लोग ने एयर लेयरिंग का बोला था कि एयर लेयरिंग कटिंग से, तो आप पॉसिबली आप इमेजिन कर सकते हो इतने पतले इसकी ब्रांच है, इसमें क्या ही कोई एयर लेयरिंग कर पाएगा। हाँ ज़मीन में होता तो अलग बात थी, पर अभी ये गमले में है और अब इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है। रेफरेंस के लिए मैं इसकी पिक भी अटैच कर दूंगी। और यहाँ पर ये जो सकुलेंट्स हैं ये भी मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग वाली वीडियो में शेयर किए थे जो कि ऑनलाइन ही आए थे, तो इन सब में भी ये अच्छी सी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। सब में आप देखोगे सारे टिप्स पे इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, फ्लावरिंग होगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर फिश गोल्ड फिश प्लांट है और गोल्ड फिश में भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो ये छोटी सी नई सी पत्ती आ रही है। और सभी टिप्स जो है इसकी इसमें आप देखोगे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये वाला थोड़ा सा मतलब उस टाइम में स्ट्रेस में था, पर अब ये स्ट्रेस से बाहर आ रहा है, इसमें भी यहाँ पर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से हैं सारे के सारे प्लांट्स और सभी अब जो है धीरे धीरे से सभी सही हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।